तो अभी दोस्तों कुछ ही समय पहले फिर से एक और न्यू बाइक को देखा जा चुका है, रॉयल एनफील्ड के ही 350 सीसी वाले एक और न्यू बाइक को। और ये जो न्यू बाइक है ना, तो इसका नाम बोला जा रहा है शॉटगन 350। वैसे हाँ, वो जो शॉटगन 650 जो आने वाला था ना, तो उसका ही एक छोटा वर्जन जो है तो वो ये वाला है। वैसे वीडियो को आगे पूरा देखते रहना, क्योंकि आज की इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसी न्यू शॉटगन 350 के ही बारे में बात करने वाले हैं, और ये भी देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिल रहा है भाई। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले दिखा जा चुका है शॉटगन 350 को, मतलब रॉयल एनफील्ड की ही और एक न्यू बाइक 350 सीसी के अंदर। और वैसे पता है मुझे कि आप लोग सुन के ये तो बोल ही रहे होंगे कि ये भाई शॉटगन 350 कहाँ से आ गया, शॉटगन 650 तो आने वाला था ना। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि शॉटगन 650 भी आएगा, लेकिन उसका ही जो एक छोटा वर्जन जो है ना, तो वो भी अभी आने वाला है, जिसको दिखा गया था रस्ते के ही किसी एक कोने में। और ये जो शॉटगन 350 है ना, तो ये छोटा वर्जन में ही ये बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सारा जो चीज तो वो छोटा छोटा ही है, मतलब कि भाई मैं कुछ कहना यही चाहता हूं कि इस वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना, तो ये एक फिर से वही वाला इंजन है, मतलब कि जो रॉयल एनफील्ड का जो क्लासिक 350 के अंदर दिया गया है, या फिर जो मीटियर 350 के अंदर दिया गया है, तो वही कुछ इंजन जो है तो वो इस वाले बाइक के अंदर दिया गया है फिर से। मतलब कि इस वाले बाइक के अंदर आपको फिर से देखने को मिलेगा वो एक 350 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने वाला है 20.2 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो वो है 27 nm। बस तो 5 स्पीड के ही गियरबॉक्स के साथ साथ जो ये इंजन है तो वही है पहले से। बाकी तो हाँ, ये भी कुछ सीन है कि इस वाले बाइक के अंदर जो चेंजेस देखने को मिला है मुझे, तो वो मैं अगर बताऊँ तो उसके अंदर सबसे पहला तो है भाई, इस वाले बाइक में आपको देखने को मिलेगा जो हैंडल का पोजिशन या फिर जो हैंडल का स्टाइल, मतलब जिस तरीके से ये हैंडल बिठाया गया है इस वाले बाइक के अंदर, तो वो भाई देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो बाइक है ना, तो रॉयल एनफील्ड कंपनी बेहतरीन सा बाइक बनाते बनाते भाई लास्ट में जो है ना, तो वो भाई रॉयल एनफील्ड कंपनी खुद ही, मतलब खुद के ही जो 350 सीसी वाला जो लाइनअप है, तो उसको डुबाने के पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि भाई आप लोग देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक का ये जो हैंडल जिस तरीके से दिया गया है ना, मतलब इसका जो हैंडल का सेटअप है या फिर जो हैंडल का स्टाइल जो है, तो ये देखने के बाद भाई मुझे तो काफी ज्यादा ही ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई ये रॉयल एनफील्ड का कोई 350 सीसी वाला बाइक नहीं है, ये TVS का XL 100 है। मतलब अगर साइड बाई साइड आपको दिखाऊं तो ये TVS का XL 100 जिस तरीके से स्टाइलिंग है इसका, सामने का ये हैंडल वगैरह जो भी है, तो उसको मिला तो वही तरीके का जो सीन है ना, तो वही कुछ अभी देखने को मिल रहा है ये रॉयल एनफील्ड के ही ये शॉटगन 350 के अंदर। बाकी तो ये भी कुछ सीन है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको जो न्यू जो चीजें देखने को मिल रहा है, मतलब इसी न्यू वाले बाइक के अंदर, तो उसके अंदर पहले बात तो ये जो लॉन्ग एग्जॉस्ट पाइप जो है, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और उसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाला है एक पूरे ही तरीके से LED एक हेडलाइट। और उसके ही साथ साथ ये भी कुछ देखने में मिला है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको जो सीटिंग पोजीशन देखने को मिलेगा ना, तो वो ना तो मीटियर वाला होने वाला है, ना ही क्लासिक वाला होने वाला है, मतलब कि बीच का एक जो सीन है ना, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। मतलब ये इमेज देख के तो भाई ऐसा ही अभी कुछ लग रहा है। लेकिन है इसके अलावा जो पुराना वाला एक चीज है ना इस वाले बाइक के अंदर, तो वो है कि पुराने स्टाइल का ही वो जो सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे जो कॉइल वाला जो शॉक एब्जॉर्बर है, तो वही कुछ देखने को मिल रहा है सस्पेंशन सेटअप में। बाकी ये भी कुछ सीन है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा पीछे का जो सीट, मतलब पिलियन जो सीट है ना, तो इस वाले बाइक के अंदर वो पिलियन सीट को भी हटा सकते हो, मतलब देख के कुछ ऐसा ही लग रहा है इस वाले बाइक के अंदर। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ सीन है कि इस वाले बाइक में भी जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर भी आपको ये सेमी डिजिटल टाइप एक मीटर कंसोल जो है तो वो भी देखने को मिल जाएगा। और अभी के डेट में तो ये भी कुछ बोला जा रहा है कि इस वाले बाइक के अंदर भी जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा डिस्क ब्रेक के साथ साथ जो सिंगल चैनल ABS, तो उसके ही अंदर अंदर। और इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि इस वाले बाइक में भी देखने को मिलने वाला है इस वाले बाइक का जो न्यू प्राइस, तो वो क्लासिक के मुकाबले थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब कि रॉयल एनफील्ड का जो 350 सीसी वाला लाइनअप है ना, तो उसके अंदर इस वाले बाइक का जो प्राइस है, तो वो भी एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि 1,50,000 के अंदर अंदर जो है एक शोरूम प्राइस, तो उससे लेके 1,70,000 के अंदर अंदर जो है, तो उसके ही अंदर अंदर एक शोरूम प्राइस जो है, तो वो कुछ देखने को मिलने वाला है इस वाले बाइक के साथ। वैसे तो ये भी कुछ सीन है कि इस वाले बाइक को लॉन्च होते होते 2024 जो है तो वो आ जाएगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।